बॉलीवुड स्टार्स हो रहे हैं डीप फेक वीडियो के शिकार। रश्मिका मंदाना से लेकर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर, कैटरीना कैफ समेत कई स्टार्स डीप फेक वीडियो के हुए शिकार। अब इस लिस्ट में मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी शामिल हो गए हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान सुर्खियों में आ गए अपने एक वीडियो के चलते। ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा था। वीडियो में एक्टर को पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करते दिखाया गया था। वही आमिर खान के ऑफिस स्टाफ ने इस वीडियो को डीप फेक वीडियो बताया और इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाया है। आमिर खान के ऑफिस स्टाफ की शिकायत दर्ज होने के बाद बुधवार को खार पुलिस स्टेशन में धारा 149, 420 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इन सभी धाराओं के तहत आरोपी को सजा मिलेगी। बता दें कि आमिर खान की 31 सेकंड की क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें एक्टर को एक राजनीतिक पार्टी का प्रचार करते दिखाया गया था। वेल, बता दें आपको, वीडियो को एआई की मदद से बनाया गया था। आमिर खान के ऑफिस स्टाफ के आधिकारिक बयान के अनुसार ये कहा गया है कि लाल सिंह चड्ढा अभिनेता ने अपने 35 साल के करियर में कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने बस कई बार लोगों को वोटिंग अधिकारों के बारे में जागरूक किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन24 न्यूज़, मुंबई।